खंडवा सहित प्रदेश में सबसे कम रेट पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य कराने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़ा बंपर ऑफिस में विजिट करें। खंडवा के अंबेडकर चौराहे के पास एक बस जो लग्जरी बस दिखाई दे रही थी, स्वामी उस पर लिखा हुआ था, उसने टर्न लेने की कोशिश की, उसे टर्न लेने में दिक्कत आई। आप देख सकते हैं लोग उसके टर्न लेने के दौरान उसके आगे से निकल रहे थे, उसे और ज़्यादा दिक्कत आई। इस दिक्कत का नतीजा ये हुआ कि दूर तक बॉम्बे बाजार में जाम लग गया। आज चांद दिखाई दिया, चांद दिखाई देने की संभावना भी जताई जा रही थी और कल खंडवा में ईद का त्यौहार मनाया जाएगा, इसको लेकर मार्केट में काफ़ी रौनक भी थी, काफ़ी भीड़ भी थी। मुस्लिम समुदाय के लोग काफ़ी जमकर शॉपिंग भी कर रहे थे, हालांकि पिछले कई दिन से कर रहे हैं, पर उस बस के टर्न लेने के चक्कर में खंडवा के बॉम्बे बाजार में लंबा जाम लग गया, लोगों को काफ़ी दिक्कत आई। केवल राम चौराहे से नगर निगम तक जाने में लोगों को जहां 2 से 3 मिनट लगने चाहिए वहां 10 से 15 मिनट भी लगे। इस दौरान लोगों का ये कहना था कि ट्रैफिक पुलिस मौके पर कहीं नहीं दिखाई दी। ट्रैफिक पुलिस को इस समय, खासकर जब फेस्टिवल सीजन होता है, एक्टिव रहना चाहिए और दिन भर पुलिस के सेट ट्रैफिक पुलिस के पर रहते हैं। ऐसे में इस तरह का अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है जिससे जाम जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है तो ट्रैफिक पुलिस को तत्काल मौके पर पहुंचना चाहिए। लोगों का ये कहना था कि ट्रैफिक पुलिस कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी और व्यवस्था चरमरा गई थी। लोगों का ये भी कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की टीम को आउटर एरिए में जाकर चालान बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए। शासन का काम है, उसे उन्हें करना चाहिए, लेकिन खंडवा शहर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है उनकी बेसिक प्रायोरिटी, प्राथमिकता ट्रैफिक को व्यवस्थित तरीके से बनाने पर होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि खंडवा शहर में ऑलरेडी ट्रैफिक का बहुत दबाव है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की टीम को खासकर 3-4 रोड पर तो हमेशा एक्टिव होना चाहिए। सिंगल ओवरब्रिज है एक, वहाँ पर, दूसरा बस स्टैंड से जलेबी चौक, बॉम्बे बाजार और इसके अलावा जो कुछ चौराहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का इशू रहता है, लोगों को क्रॉसिंग में दिक्कत आती है, काफ़ी टाइम लगता है, इन जगह पर कम से कम एक एक दो दो जवान तरीके से लगाने चाहिए जिससे खंडवा शहर में जाम की स्थिति निर्मित ना हो पाए। खंडवा के ज़्यादातर नागरिकों का ये मानना है कि खंडवा को अब इस तरह की दिक्कतों की आदत हो गई है, इतना ज़्यादा वो झेल चुके हैं, सुनवाई होती नहीं। पानी की समस्या भी खंडवा में मेजर समस्या है, कुछ विषय को लेकर खंडवा के लोगों के कान पक गए हैं और बताते बताते शिकायतें, परेशानियां, जबान भी थक गई है, अब वो चुप हो गए हैं। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार ज़रूर विजिट करें। अंबेडकर चौराहा, खंडवा।